Hello everyone, welcome to Daim classes. I am Ace Khanam and today we are going to read geography class 6 ka chapter number 6 पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ दी अर्थ के बारे में. अर्थ का जो लैंडफॉर्म्स है ना उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे. तो हम जानते हैं कि अर्थ पे जो अर्थ का जो सरफेस है तो मतलब इनफिनाइट वैरायटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स है उस पे, ठीक है, मतलब अनगिनत हैं. और ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं कि मतलब लैंडफॉर्म्स जो है मतलब मेनी वैरायटीज आर देयर, तो किस तरह के जो यहाँ पे वैरायटीज हैं. और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़े थे, मेजर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ के बारे में पढ़े थे, है ना. मतलब उसमें हम पढ़े थे कि अर्थ का डिवीजन कैसे होता है, कितने टाइप्स में है, और जो लैंड मासेस वाला एरिया है वो क्या कहलाता है, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज वाला एरिया है वो क्या कहलाता है. तो ये सारी चीजों को हम कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, है ना. बट आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ दी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में, है ना. और क्या देखने वाले हैं, प्लेट्यूज के बारे में देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और हम देखने वाले हैं प्लेन्स के बारे में, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को. और इस लेक्चर का फर्स्ट पैराग्राफ है, यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, है ना. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अर्थ का जो सरफेस है ना वो हर जगह पे सेम नहीं होता है. होता है सेम नहीं होता है, कहीं पे रगेड होती है, कहीं पे फ्लैट होती है ना, कहीं पे बिल्कुल बराबर होती है. तो इस तरह के जो सरफेस होते हैं, है ना, और दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. तो और इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, यानी कहीं पे रगेड होते हैं, कहीं पे फ्लैट होता है, तो इस तरह के जो सरफेस होते हैं वो मतलब रिजल्ट होता है किसका, टू प्रोसेस होती है हमारे अर्थ पे, ठीक है. टू प्रोसेस होती है हमारे अर्थ पे, उसका ये रिजल्ट मिलता है हमें, जो मतलब लैंड में जो है वैरायटीज पाई जाती है, ठीक है. पृथ्वी पे जो है वैरायटीज पाई जाती है. तो टू प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस. ये टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं. अब इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर ना कई तरह के टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ठीक है, और मैग्मा है. तो ये सारी टेक्टोनिक प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है तो क्या होती है, अर्थ का जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाती है ना, अपलिफ्टमेंट हो जाती है, और कुछ नीचे की तरह धस जाती है, सिंकिंग हो जाती है, ठीक है. तो ये क्या कहलाती है, मतलब जो अपलिफ्टमेंट हो जाती है ना जो सरफेस, वो फॉर्म ले लेती है माउंटेन का, वो फिर माउंटेन बन जाता है. और जो सिंकिंग हो जाती है नीचे की तरफ, जो धस जाती है, वो क्या बन जाती है, वैली बन जाती है. तो ये इंटरनल प्रोसेस में होता है, जो अर्थ के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना. अर्थ के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो क्या, और जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराने के बाद क्या होता है, अर्थ का सरफेस जो है वो कुछ ऊपर उठ जाता है तो वो माउंटेन बन जाता है, और जो नीचे धस जाती है वो क्या कहलाती है, वैली बन जाती है, ठीक है. चलो अब देखो यहाँ डू यू नो वाला पार्ट जो है, हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. हिल क्या है, हिल एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, मतलब लैंड का एक ऐसा सरफेस है जो हमारे आसपास का एरिया होता है ना उससे हायर होता है, ठीक है, उससे काफी हायर होता है. और ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज माउंटेन, ठीक है. एक जो हिल होती है, अगर हिल की जो ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, फिर वो माउंटेन बन जाती है, माउंटेन कहलाती है ना, अगर मतलब हिल की जो ऊंचाई जो है 600 मीटर से ऊपर हो तो. अब देखो कह रहा है, नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर्स. कुछ माउंटेन्स के नेम बताओ जिसकी हाइट 800 मीटर से अबव है. याद आ रहा है कुछ, है आपको कुछ, मैं बताई थी ना मतलब चैप्टर नंबर 5 में कि कौन सा माउंटेन बताई थी मैं आपको, जिसकी हाइट 8848 मीटर्स थी, माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसकी हाइट काफी ऊंची है और जिसे लार्जेस्ट माउंटेन बताया जाता है, जिसकी हाइट 8848 मीटर्स है, ठीक है. चलो आ जाओ इस पिक्चर पे, पिक्चर को देख लेते हैं. पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है पिक्चर में, देखो तो पिक्चर में बताया जा रहा है. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है माउंटेन है ना, और देख लो यहाँ पे देखो ये जो है ये माउंटेन बना हुआ है ना,
और ये जो है ये देखो ये प्लेट्यू है, ये देखो ये लेक है, ये ट्रिब्यूटरी रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये प्लेन हो गया, ये बेसिन हो गई है ना, और ये हिल हो गई, यहाँ पे देखो ये माउंटेन रेंजेस हो गया, ठीक है, ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें लैंडफॉर्म्स को बता रहा है, लैंड के वैरायटीज के बारे में बता रहा ना, कि इस तरह की लैंड की मतलब वैरायटीज है, इस तरह का फीचर्स है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, लैंड किस तरह का होता है, माउंटेन होता है, कुछ प्लेट्यू होता है, कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है, कुछ प्लेन होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये सारी चीजें सिर्फ आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में और प्लेन के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें इस क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कह रहे थे सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, अभी मैं क्या बताई इंटरनल प्रोसेस के बारे में बताई ना आपको, इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ जब मतलब टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती है तो अर्थ की सरफेस जो है कुछ ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट हो जाती है और कुछ नीचे की तरफ मतलब सिंकिंग हो जाती है, और अपलिफ्टमेंट पार्ट क्या बन जाता है, फिर वो माउंटेन बन जाता है, और जो सिंकिंग होती है वो वैली बन जाती है, वो हमारा था इंटरनल प्रोसेस में। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में, एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, वियरिंग डाउन होती है सरफेस की जो है ना, एक्सटर्नल मतलब ऊपरी ऊपरी सतह पे अर्थ के बाहर बाहर जो काम हो रहा है, ठीक है, वियरिंग डाउन मतलब अर्थ का जो सरफेस है जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया है ना, तो वो क्या होती है, वियरिंग डाउन हो जाती है, मतलब वहां से हट जाना होता है, उड़ जाना, ठीक है, उड़ना या हट जाना, इरोज हो जाना, ठीक है, एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस, जिससे वहां से वियरिंग डाउन होना, वहां से हटना और दूसरी जगह दूसरे लैंड सर्फेस को रीबिल्ड करना, फिर से नया बनाना, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है, और द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिब्यूल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये मिट्टी है, उठी हुई जगह है ना, यहाँ पे उठी हुई जगह है, यहाँ प्लेन है, ठीक है, देखो हवा चली, ठीक है, इधर से हवा आ रही है, अब ये हवा क्या करेगी, जो मिट्टी है उसे क्या करेगी, उड़ाएगी यहाँ से, वियरिंग अवे करेगी, है ना, वियरिंग अवे मतलब यहाँ से उड़ाएगी, अब उड़ा उड़ा करके इधर ले आती है, इधर क्या करती है, ये बिल्कुल प्लेन कर देती है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लेन कर देती है, अब यहाँ पे दूसरी सतह नई बनी ना, यहाँ पे नई जगह बनी, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इरोज हुआ, ठीक है, यहाँ से वियरिंग अवे हुआ, तो यहाँ ये नई जगह बनी, फिर ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फिर नई नई जगह बनती है ना यहाँ पे, ठीक है, रिब्यूल्ड करती है सरफेस को और यहाँ पे इरोज करती है, और जो इरोजन होती है ना सॉइल की, ठीक है, उसे वियरिंग डाउन कहते हैं, वियरिंग अवे कहते हैं, और यहाँ पे रिब्यूल्ड हुआ, इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन, यहाँ पे मिट्टी को ला करके डिपोजिट कर देती है, ठीक है, ये या तो रेन मतलब वाइंड की वजह से होता है या फिर रेन की वजह से होती है, जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से भी ये हो सकती है ना, जब रनिंग वाटर होती है तो उसकी वजह से भी मिट्टी घुलती है, मिट्टी घुल घुल करके दूसरी जगह जाकर के वहां पे डिपॉजिट होने लगती है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में, होता है ना, बारिश होती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है ना घुल घुल कर, और जब हवा चलती है तो फिर मिट्टी भी मतलब वियरिंग अवे वहां से उड़ करके इरोज हो करके दूसरी जगह चली जाती है, फिर दूसरी जगह नया सरफेस बनाती है, तो ये सारा प्रोसेस किस में होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस में होता है ना। अब देखो अब कह रहे हैं, अब वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप्स एज माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन्स, हम लोग जो है ना माउंटेन को क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिवेशन, एलिवेशन जो होती है ना उनमें, एलिवेशन मतलब ऊपर सतह पे जितनी उठी हुई ऊंचाई, ठीक है, उठी हुई, तो उनकी मतलब जो सतह होती है उनके एलिवेशन पे हम लोग लैंडफॉर्म्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो किन किन में, माउंटेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लेट्यू में कर सकते हैं और प्लेन्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, है ना, माउंटेन्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस, माउंटेन क्या है, अर्थ सर्फेस की एक नेचुरल एलिवेशन है, ऊपरी सतह उठी हुई है, और द माउंटेन्स मे हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो माउंटेन्स मे हैव ए स्मॉल समिट, ये देखो
ये माउंटेन हो गई है ना, ये माउंटेन हो गई। अब देखो ये पिक हुई ना, ये पिक हुई, ये पिक को क्या कहते हैं, समिट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल समिट हो गई, ठीक है। अब ये मतलब समिट कहते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, ये पिक क्या है, स्मॉल हो गई ना, है ना। और ये ब्रोड क्या है, क्या है इसकी ब्रोड, इसकी सॉरी बेस क्या है इसकी, बेस, बेस इसकी ब्रोड है ना, बेस ब्रोड है। तो ये हो गई। अब देखो इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ये आसपास के एरिया से जो है क्या मानी जाती है, हाईएस्ट मानी जाती है। देखो ना आसपास का एरिया इतने है, या फिर अगर आसपास की एरिया ऐसे भी होगी, इतनी भी ऊंची होगी, तो ये हायर मानी जाती है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कुछ माउंटेन्स जो है ना वो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, और मतलब हायर देन द क्लाउड्स, और एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे क्या होता है, क्लाइमेट फिर डिक्रीज मतलब कोल्ड होती जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है ना। और कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती है, मतलब कुछ माउंटेन्स जो है वो आइस की रिवर बह रही होती है ना, बिल्कुल फ्रोजन रिवर्स, फ्रोजन आइस की बिल्कुल फ्रोजन रिवर्स होती है। चलो दिखाती हूँ अभी, और देखो दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, मतलब फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस जो होती है ना, मतलब जो नदी होती है जिसमें आइस क्या होते हैं, बिल्कुल जमे हुए होते हैं, वो क्या कहलाती है, ग्लेशियर्स कहलाती है। वो धीरे धीरे पिघलती है, फिर पिघल कर पानी हमें मिलता है, मतलब रिवर्स के थ्रू फ्लो होकर के आती है, तो वो क्या कहलाती है, ग्लेशियर्स का पानी कहलाती है ना। दे आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, है ना, कुछ ऐसे भी माउंटेन है जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि वो सी के अंदर है ना, सी के अंदर से मौजूद है। और लेस पीपल बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप्स आर स्टीप्स लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। देखो मतलब वहां पे क्लाइमेट क्या है, हार्श है ना, फ्रोजन एरिया है, तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, है ना, लेस पीपल होते हैं। और वहां पे की जो माउंटेन एरियाज जो होती है ना, माउंटेन है और इसकी स्लोप्स जो होती है, ये देखो स्लोप्स है ना, ये स्लोप्स कैसी होती है, स्टिप्स होती है, ठीक है, ये स्लोप्स जो है स्टिप्स होती है। तो इसमें लोग एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, इस पर कैसे लोग करेंगे एग्रीकल्चर, इस तरह से जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, तो एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं बन पाता है ना, तो यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर जो होती है वो फार्मिंग जो होती है कम मात्रा में होती है, ठीक है। चलो बताती हूँ अब देखो, डू यू नो वाला पार्ट, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मतलब माउंटेन के बारे में, कि कुछ माउंटेन जो होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, सी के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ माउंटेन है ना अंडर सी होते हैं, तो यहाँ पे हम उसी का एग्जांपल देख रहे हैं। मौना किया, मौना किया कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में मौजूद है, मौना किया ये अंडर सी माउंटेन है ना, मौना किया एक अंडर सी माउंटेन है जो कि कहाँ मौजूद है, पैसिफिक ओशियन में। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है 10,205 मीटर है, इसकी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट हम लोग कितनी पढ़े थे, 8,848 मीटर है ना, यही पढ़े थे ना, 8,848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट थी, हाइट है, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है, 10,245 मीटर है ना, सॉरी 205 मीटर है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे, देखो ये माउंटेन हो गया माउंट एवरेस्ट, और ये सी लेवल 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर माउंटेन आई ये यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम खड़े होंगे इस सरफेस पे, तो हमें तो ये छोटी दिखेगी ना, ये माउंटेन है ना, ये माउंटेन तो हमें छोटी दिखेगी, जो है मौना किया जो अंडर सी के अंडर सी में है, जो सी के अंदर मौजूद है मौना किया, ये तो हमें छोटी दिखेगी। बट ये इसकी ब्लो, इसकी बेस जो है काफी अंदर है, सी के अंदर है ना इसकी बेस, है ना, ये सी के अंदर से मौजूद है। और इसकी हाइट कितनी है, 10,205 मीटर है इसकी साइज, तो ये बड़ी हुई ना, बट माना जाता है माउंट एवरेस्ट क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है, इसलिए ये लार्जेस्ट माना जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं,
हाँ ये तो हो गया। अब देखो कुछ माउंटेन्स जो होते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन जो होते हैं ना वो लाइन में भी अरेंज किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन रेंजेस कहलाते हैं। यहाँ देखो फिगर में, देखो मैं बता रही हूँ, इस तरह से कुछ माउंटेन होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये हिमालय माउंटेन यहाँ पे है, पैरालेल रेंजेस में होते हैं, यहाँ पे पैरालेल रेंजेस में यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है, इस तरह से आती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है माउंटेन रेंजेस कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैसे द हिमालयाज हो गया, और क्या हो गया, द हिमालयाज, द अल्प्स, द अंडेज, ये सब जो है माउंटेन रेंजेस हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिकाज में पाए जाते हैं, है ना। और माउंटेन जो है वो वैरी करते हैं हाइट में और शेप में, उनकी हाइट जो है कुछ माउंटेन की हाइट जो है कुछ बड़ी होती है, कुछ ऊंची होती है, कुछ छोटी होती है। तो इस तरह से माउंटेन जो है वो वैरी करते हैं। अब थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन आर देयर। माउंटेन कितने तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स को होते हैं, है ना। अब देखो कौन कौन से टाइप्स को होते हैं, तो माउंटेन्स जो होते हैं देखो, कुछ फोल्ड माउंटेन्स हो गया, है ना, और कुछ ब्लॉक माउंटेन्स हो गया, कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो द हिमालय माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये द हिमालयन माउंटेन्स हो गया, द अल्प्स हो गया, ये क्या है, ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन है ना, मतलब बहुत पुराने, सॉरी मतलब नए नए हैं ये, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और मतलब देखो, और द अरावली रेंज, अरावली रेंज कहाँ पे है, इंडिया में है, है ना, अरावली रेंज इंडिया में है, जो कि कहाँ, मतलब वो कैसा माउंटेन है, ये होता है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये काफी पुराना है ना, ये काफी पुराना माउंटेन है। दिखाती हूँ अभी अरावली रेंज कहाँ, ये इंडिया में है, तो इसकी तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए ना, इंडिया में है, ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो, ये रही अरावली रेंजेस यहाँ पे, ठीक है, ये रही अरावली रेंजेस यहाँ पे। और ये कहाँ है, यहाँ थार डिजर्ट है, राजस्थान के पास यहाँ पे अरावली रेंजेस है, हिमालय के बीच में, ठीक है। चलो अब देखो, इज वन ऑफ द, ये क्या ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और द अपलाशियंस इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन है, अपलाशियंस है। और यूराल माउंटेन्स कहाँ पे है, ये रशिया में। यूराल माउंटेन्स के बारे में मैं आपको बताई हूँ ना, रशिया जो यूरोप और एशिया को सेपरेशन करती है, यूराल माउंटेन है ना, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी रशिया में है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, सॉरी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ना, ये सारे एक दूसरे से मतलब एक दूसरे, मतलब ये जो है ना, मतलब ये जो यूराल माउंटेन है ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन के बारे में, ठीक है, कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। तो ब्लॉक माउंटेन जो है आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ये फिगर देख रहे हो आप, ये मैप है ना, ये मैप आप देख रहे हो, तो ये इसमें जो है देखो, कुछ एरियाज होते हैं जो लार्ज एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट-फूट होती रहती है, ठीक है, तो ये टूट जाते हैं, जब टूट जाते हैं तो क्या होते हैं, ये वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं, मतलब वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं, एक जगह से अपनी जगह से मतलब खिसक जाते हैं। तो अपनी जगह से जब खिसकते हैं तो ये अपलिफ्टमेंट वाली एरिया जो है ना, ये अपलिफ्टमेंट वाली एरिया ये कहलाती है होस्ट, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आ जाती है ये, तो ये क्या कहलाती है, ग्रैबिन, ठीक है, ये कहलाती है ग्रैबिन। अब देखो ये है ना, ये रही ग्रैबिन। और द राइनी वैली एंड द वोस्गिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, ठीक है। राइनी वैली हो गया, राइनी वैली कहाँ पे मौजूद है, यूरोप में, है ना, और वोस्गिस माउंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के माउंटेन्स जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स जो है आपको मैप में लोकेट करना है, आपके पास मैप होगी ना, उसमें आप लोकेट करोगे, उसकी डिरेक्शन बताओगे।
अब हम पढ़ेंगे वोल्केनिक माउंटेन के बारे में, ठीक है। वोल्केनिक से ही समझ में आ रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तब वोल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो देखो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो क्या है, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है ना। सॉरी ये क्या हो रहा है, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो एक वोल्केनिक माउंटेन है, और क्या है माउंट फुजियामा है ना, माउंट फुजियामा हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा कहाँ है, जापान में है ना। तो इस तरह के माउंटेन जो है वोल्केनिक जब एक्टिविटी हुई तो वोल्केनिक एक्टिविटी होने के बाद ये माउंटेन बने, ठीक है। और माउंटेन्स ये मतलब काफी यूजफुल होते हैं। माउंटेन्स क्यों यूजफुल होते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वो मतलब स्टोर हाउस होती है ना, वाटर का स्टोर हाउस होती है। कैसे होती है, वहां पे जैसे देखो कहीं कहीं पे डैम बनाए जाते हैं, कहीं पे रिवर्स निकल रही होती है ना, तो वो रिवर्स निकल रही होती है तो रिवर्स से वहां पे डैम बना दिए जाते हैं, जिससे वाटर जो है स्टोर करके रखा जाता है। तो वो हमारे यूज के लिए होता है, एग्रीकल्चर करते हैं उससे, ठीक है। तो काफी सारे इसके यूजेस होते हैं। अब देखो मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन है ना, अभी जो मैं बताई कि कई सारे रिवर्स होती हैं, उसकी सोर्स जो होती है मतलब ग्लेशियर से निकलता है, माउंटेन्स का जो ग्लेशियर्स होता है। रिजर्वर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल है ना। रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं पीपल को यूज करने के लिए, ठीक है, लाइक इरिगेशन वगैरह, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है वाटर का यूज होता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी तो हम वाटर का यूज करते हैं ना, जो डैम वगैरह बनाते हैं। अब द रिवर वैलीज एंड प्लेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो रिवर वैलीज, अब देखो ये माउंटेन मतलब माउंटेन होती है, इस तरफ से माउंटेन जा रही होती है, माउंटेन के बीच वाला जो होता है ना, जो वैली बन जाती है, जो नीचे जो सिंकिंग एरिया हो जाती है, तो जो वैली होती है तो वहां पे वो जो वहां का जो सॉइल होता है ना काफी एल्यूवियल होता है ना, वहां पे मतलब काफी फर्टाइल एरिया होती है, तो उसकी वो जो रिवर वैली हो गई और फिर टेरेसेस तो काफी फर्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है आराम से लोग खेती कर सकते हैं ना, और बहुत अच्छे वहां पे उगते हैं। अब टेरेसेस कैसे होते हैं, देखो ये माउंटेन है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये माउंटेन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, इस तरह से लोग मतलब रॉक्स जो होती है ना, रॉक्स को कट करते हैं, इस तरह से लोग रॉक्स को कट करते हैं, ठीक है। इस तरह से लोग रॉक्स को कट किए तो इस तरह से बन जाता है, फिर इस तरह से कट करते हैं तो इस तरह से बन जाता है, तो ये हो गया, क्या हो गया, टेरेसेस बन गया, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ पे वाटर जो है इकट्ठा रह सकता है ना, यहाँ पे हम लोग वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं, तो एग्रीकल्चर करने में काफी आसानी होती है, ठीक है। अब देखो माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, माउंटेन्स में जो होती है ना काफी रिच वैरायटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। जैसे मतलब वहां पे प्लांट्स की भी स्पेशीज जो होती है वो काफी होती है, और फौना की भी काफी ज्यादा स्पेशीज होती है, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं फ्लोरा में, मतलब फॉरेस्ट हुए ना, तो वहां पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं क्या क्या, फ्यूल, फोर्डर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोग तो आज माउंटेन के बारे में पढ़ चुके ना, अभी और पढ़ना माउंटेन के बारे में। ये देखो ये वोल्केनिक माउंटेन है ना, जो मैग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। वोल्केनिक माउंटेन कैसे होता है, मैग्मा यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जब मैग्मा यहाँ पे लावा जो है जब बॉम्ब करती है तो वोल्केनिक माउंटेन बनता है। देखो ये वोल्केनिक माउंटेन बनी, ठीक है। और ये हमें क्या मतलब, यहाँ की जो फॉरेस्ट होती है ये हमें फूड, शेल्टर, फॉडर वगैरह तो प्रोवाइड कराते ही है, इसके साथ साथ और क्या प्रोवाइड कराते हैं, गम प्रोवाइड कराते हैं, रेजिन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और माउंटेन्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, ठीक है ना, टूरिस्ट के लिए जो है आइडलिक साइट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट लोग काफी आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, है ना, फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, इसकी जो खूबसूरती है ना, खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। और कई सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे खेले जाते हैं, ठीक है, लाइक पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंड ग्लाइडिंग हो गया, ठीक है, रिवर राफ्टिंग हो गई, सी स्कीइंग हो गई, तो इस तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे काफी पॉपुलर हैं इस माउंटेन पे, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया,
तो आज इस चैप्टर को मैं यहीं तक कवर करती हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट टू मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम कवर करेंगे प्लेट्यू प्लेन्स के बारे में, और फिर इस तरह मतलब जो माउंटेन्स पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसी अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, जो प्लेट्यू पे रह रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ को किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, और प्लेन्स पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग अपनी लाइफ को किस तरह जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे चैप्टर पार्ट टू में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।